साल का पड़े पूरा समझ रहे हैं बिल्डिंग के पास चली जा और होती है यहाँ बिल्डिंग के जहाँ पे तो मेरे पास भी ये करीब 200 इसमें जो एक टिपिकल पूरी दुनिया तो बोले तो आगे माहिर वो राज ए राज ग्रुप फोटो कर ले अरे गिरी सुनना लेके जाए वाली पतंग ले उड़ा दे आप छोड़ दे मस्त परे इनु परे लेके जा तो ये हैंडीकैप बच्चे भी आएंगे अभी और मैं काइट के थ्रू जो काइट मेरा एक हॉबी है इसके थ्रू मैं पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर मैं राजस्थान जाके मैं रहता हूँ और इंडिया दोनों के कल्चर को पूरी दुनिया के सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ जिससे हमारे पर्यटन को बढ़ावा मिले और वे जो हमारी अच्छाइयाँ जो इंडिया के अंदर भरी पड़ी हुई है उनको देख के वो इधर आए तो ये मेरा छोटा। उसके अलावा मैंने अभी जो कोरोना का जो एक क्रिटिकल टाइम चल रहा है तो उसके लिए मैंने भी कुछ काइट बनाई ताकि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए, मास्क लगाया जाए, जो कुछ भी है और डिस्टेंस में भी हमको रहना चाहिए। ये मेरा एक छोटा सा मैसेज भी मैंने काइट के थ्रू दिया है। स्वच्छता का भी आपने एक संदेश बिल्कुल स्वच्छता के बारे में ये है कि जब हम हमारे देश को स्वच्छ रखें तो हम खुद स्वच्छ रहेंगे, एक सबसे बड़ा हमारे लिए। यहाँ का बताएं आप नलवाड़ी में एक नलवाड़ी में मैं पहली दफ़ा इधर आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आकर कि एक बिसालपुर जो कि मेरे ख्याल से दुनिया से थोड़ा छुपा हुआ देश क्योंकि लोगों को शिमला और मनाली दिखता है लेकिन जब हमने पहाड़ों और यहाँ पर देखा लोगों को तो मेरा जी करता है कि मैं यहीं रह जाऊँ, इतना अच्छा लगा, सुहाना, शांत और बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। कितने काइट्स लेके आए हैं सर? और अभी मेरे पास में करीब पेंटिंग का 50 काइट का मेरे पास कलेक्शन है और मेरे संदेश के बारे में करीब 30-35 काइट का, उसके अलावा मैंने फ्लाइंग के लिए करीब 100 काइट का मेरा क्रिएटिव काइट का है जो मैं यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। भारतवर्ष की जो संस्कृति है हमारी अलग अलग तरह की वो हमें यहाँ पर देखने को मिली है। एक सुदूर पहाड़ियों के अंदर बीच में एक छोटा सा गांव है जिसमें ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। वर्तमान समय में इस जैसी सुकून की जगह मिलना बहुत मुश्किल काम है, लोग विदेशों में जाते हैं जबकि हमारे भारतवर्ष में भी इतनी अच्छी अच्छी जगह हैं पर्यटन स्थल के रूप में जो छुपी हुई है। इस मेले के माध्यम से मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे इस जगह पर ऐसा मेला आयोजित किया है जिससे कि हमारी ये जो संस्कृति है वो सबके सामने आएगी। इसके लिए मैं यहाँ पर सभी मेला आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है। स्वच्छता की बात करें यहाँ पर तो बहुत अच्छी साफ़ सफाई की व्यवस्था है, यहाँ पर पॉलीथीन मुक्त है यहाँ पर ये जगह। और वर्तमान में जो कोरोना महामारी चल रही है उसके अंदर भी यहाँ पर सभी तरह की व्यवस्था कर रखी गई है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, मास्क यहाँ पर वितरित किए जा रहे हैं। इसके लिए